बिकॉज पागलपन का मतलब ना लोग ये समझ रहे हैं कि पागलों जैसी हरकतें करो, सड़क पे जाकर के डांस करो और लोग बोलने लग जाएंगे पागल हो गए हो तो आप सही ट्रैक पे हो। दैट डज नॉट मीन पागलपन। मैंने उस तरह इशारा नहीं किया था पागलपन पे। सपोज जॉब छोड़ के बैठ जाओ, पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ, तो लोग तो बोलेंगे ही पागल हो। अरे तो मैं भी बोलूंगा पागल हो, राइट? क्योंकि आपको फेथ है नहीं, अपनी लैंड को फर्टाइल किया नहीं और एक्शन पहले ले रहे हो। पहले उस सेशन को समझो तो सही, सेमिनार को समझो तो सही, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला। सबसे पहले लैंड को फर्टाइल किया, मतलब अपनी गंदगी को साफ किया, जो कचरा भरा हुआ था अंदर दिमाग में बॉडी में उसको खाली किया, लैंड फर्टाइल हुई, फिर बीज को बोया। उससे भी पहले बीज डिसाइड किया कि बीज कौन सा बोना है, अंदर की आवाज़ सुनी फिर जाकर के उस बीज को बोया। लोग क्या करते हैं, अंदर की आवाज़ सुनी नहीं, एकदम से स्किप कर दिया, अरे यार मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। किसका करता है, सब छोड़ दो पढ़ाई, सब पूरी दुनिया बोलेगी पागल हो गए हो, तो आप सच में पागल हो गए हो, क्या करोगे, राइट? सो पागल हो गए उस लेवल पे जा करके, जब आप कुछ ऐसा मानने लग गए हो, जानने नहीं, शौकिया नहीं, मानने लग गए हो जो और लोग नहीं मान पा रहे, लेकिन आप मानते हो कि वो चीज़ होगी, तब आपको लोग कहेंगे कि आप पागल हो गए हो, तब आप सही ट्रैक पे हो। सो द आइडिया इज यू नीड टू बिलीव इन समथिंग सो स्ट्रांगली दैट हैज टू बी अनशेकेबल। एक आदमी ने पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप आउट होना चाह रहे, वो ये सोच रहे ड्रॉप आउट होके काम हो जाएगा। तो अब अगर वो ये कोई आकर के बोलता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है आपने पढ़ाई छोड़ दी। अब इसको बड़े ध्यान से सुनना है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है। वो यहाँ पर आकर के मेरे पास में बैठता है और मैं उसको बोलता हूँ, भाई तूने पढ़ाई तो छोड़ दी, अब तो तू बर्बाद हो जाएगा, तू तो गया, ना तुझे नौकरी मिलने की, ना तुझे घर वाले सपोर्ट करने के, जो सच है, ठीक है, ना अब तू कुछ कर सकता, तू क्या करेगा, तू तो सड़क पर धक्के खाएगा भाई, भीख मांगेगा, और वो डर के बैठ जाए, अबे यार मैं तो गया यार, ये तो सही बोल रहे हैं यार, ये क्या कर दिया मैंने, तो समझ जाओ वो सच में पागल है, राइट? वो पागलपन नहीं है, वो सच में पागलपन है। असली पागलपन ये है कि मैं उसको बैठ करके यहाँ पे डरा रहा हूँ, मेरे जैसे हजार लोग बैठ करके उसको डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तूने क्या कर दिया भाई, तूने पढ़ाई छोड़ दी, और वो हंस रहा है बैठा बैठा, वो कह रहा है अच्छा आने दो टाइम बात करेंगे, आने दो। दैट इज कॉल्ड बिलीफ, दैट इज कॉल्ड फेथ, अनशेकेबल फेथ। उसको पागलपन बोलते हैं जो सच है, बट पागलपन ऐसा जो खोखला है, सिर्फ इसलिए कि भाई उसने किया, उसने ग्रेजुएशन पूरी नहीं करी तो मैं भी नहीं करूंगा, और लोग मुझे पागल बोलेंगे और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, क्या सेंस है, क्या सेंस है? अपने फेथ को पकड़ो, अपने बिलीफ को पकड़ो, देन डू समथिंग विच इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बट यू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि अगर वही संदीप महेश्वरी जिसको देख करके तुमने ग्रेजुएशन छोड़ी, वही आकर के कहता है कि यार तुम बर्बाद हो गए, तो उस संदीप महेश्वरी को देख करके हंस के बोलो, अरे तू बर्बाद है, छोड़ना, तुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ।